गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फॉर क्लास टू सब्जेक्ट SST, चैप्टर नेम द फूड। सबसे पहले बच्चों हम फूड के बारे में जानेंगे। फूड, व्हाट इज फूड, भोजन क्या है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। भोजन हमें कार्य करने और खेलने के लिए ऊर्जा देती है। इट मेक्स अस स्ट्रांग, हेल्दी एंड गिव अस एनर्जी। इसके बाद बच्चों हम भोजन के प्रकार पर बात करेंगे, काइंड्स ऑफ फूड। देर आर टू काइंड्स ऑफ फूड, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड दैट मीन्स शाकाहारी भोजन, नॉन वेजिटेरियन फूड दैट मीन्स मांसाहारी भोजन। बच्चों सबसे पहले अब हम बात करेंगे व्हाट इज वेजिटेरियन फूड एंड व्हाट इज नॉन वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, भोजन जिसे हम पौधों से प्राप्त करते हैं उसे हम वेजिटेरियन फूड कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राइस, पल्सेज, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ETC, नॉन वेजिटेरियन फूड। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन फूड, भोजन जिसे हम जानवरों से प्राप्त करते हैं उसे हम मांसाहारी भोजन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मीट, मांस, फिश, मछली, एग, अंडा इत्यादि। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मीट, फिश, एग, इसके बिसाइड यानी इसके अलावे एनिमल आयल, जो कुछ जानवर हैं उसे हमें तेल भी प्राप्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एनिमल ऑफ आयल ऑफ शार्क, वेल, ETC। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन फूड, कि वेजिटेरियन फूड शाकाहारी भोजन के स्रोत क्या क्या हैं, एक कैसे प्राप्त होते हैं, किन किन चीजों से प्राप्त होते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में चर्चा करते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड आर फॉलोइंग, ये निम्नलिखित है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्टेम ऑफ प्लांट्स, पौधों के तना से हम प्राप्त करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की जड़ों से हम प्राप्त करते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की पत्तियों से प्राप्त करते हैं। ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स, पौधों से जो अनाज मिलता है उससे हम प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधों से जो हमें फल मिलता है इससे हम प्राप्त करते हैं। दिस इज अ सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन फूड, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन फूड। ये सभी शाकाहारी भोजन के स्रोत हैं, इन सभी चीजों से हमें शाकाहारी भोजन प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम स्टेम ऑफ प्लांट्स, पौधों की तना। अब हमारे भोजन में, भोजन के रूप में हम पौधे का, कौन कौन पौधे का हम तना खाते हैं उसके बारे में चार बात करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, गिंगर, ओनियन, गार्लिक, सुगर केन, ETCR, स्टेम ऑफ प्लांट्स। आलू, अदरक, प्याज, लहसुन और ईख, ये सभी क्या है, पौधे के तना हैं, जिन्हें हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे रूट्स ऑफ प्लांट्स, कि हम अपने भोजन में जड़ के रूप में, पौधों के जड़ के रूप में किन किन चीजों को खाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, रेडिश, कैरोट, टर्निप, बीट रूट, ETC आर प्लांट रूट्स, ये सभी पौधे के जड़ हैं। जैसे मूली, गाजर, सलगम इत्यादि जो है, इन सभी चीजों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं जो पौधे की जड़ हैं। अब ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधे से जो हमें अनाज मिलते हैं उसके बारे में, जैसे पल्सेज लाइक उड़द, अरहर, मूंग, ग्राम। दाल के रूप में हम उड़द को, अरहर को, मूंग को,
चना को, पी मटर को, यानी और चीजों को हम प्रयोग करते हैं। ये सभी क्या है? ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स, ये पौधे से मिलने वाले अनाज है। इसमें हम कह सकते हैं सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, माइलेट, ईटीसी आर ईटिंग ग्रेन्स, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ये सभी क्या है? खाने वाले अनाज हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे फ्रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी पेड़ पौधे से जो हमें फल मिलते हैं। एट फर्स्ट वी कैन से दैट ट्रीज सप्लाई अस फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना, पपाया, गावा, ऑरेंज, इटीसी। पेड़ हमें क्या उपलब्ध कराते हैं? जैसे आम का फल, केला, पपीता, अमरूद, नारंगी, ये सब चीजें हमें, ये सब फल हमें कैसे प्राप्त होते हैं? पेड़ों से प्राप्त होते हैं। वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, ककंबर, लेडी फिंगर, इटीसी आर प्लांट प्रोडक्ट्स। सब्जी जैसे टमाटर, बैगन, फूल गोभी, खीरा, भिंडी, ये सभी क्या है? पौधे से मिलने वाले उत्पाद है, इसे हम पौधों से प्राप्त करते हैं। बिसाइड द ट्रीज एंड प्लांट्स, बिसाइड द ट्रीज एंड प्लांट्स द कुकिंग ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ईटीसी आर ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट, ये सब भी क्या है? पौधे से मिलने वाले उत्पाद हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, ईटीसी आर ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट, ये सभी पौधों से मिलने वाले हमें उत्पाद हैं। सोर्सेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, बच्चों इससे पहले हमने बात की सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन फूड, यानी शाकाहारी भोजन के क्या क्या स्रोत हैं, शाकाहारी भोजन किन किन चीजों से प्राप्त होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। बच्चों अब मेरा सेकेंड स्टेप है सोर्सेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, यानी मांसाहारी भोजन के स्रोत। वी गेट मटन फ्रॉम गोट, मांस हम बकरे से प्राप्त करते हैं। चिकन फ्रॉम हेन, यानी मुर्गा से, मुर्गी से हम चिकन प्राप्त करते हैं। फिश, सीप एंड बफेलो आल्सो गिव अस मीट, जैसे मछली, भेड़, भैंस, ये सभी भी हमें मांस, इन सभी से भी हमें मांस की प्राप्ति होती है। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन, डक, इटीसी। अंडे हम कहां से प्राप्त करते हैं? बत्तख से, मुर्गी से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। बिसाइड द एबव, इन सब के अलावे वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, कैमल, गोट, याक, इटीसी। गाय से, भैंस से, ऊंट से, बकरी से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। इन सभी जानवरों, ये सभी जानवर हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। द मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, हम कह सकते हैं कि भोजन एक संपूर्ण आहार है, एक पूर्ण आहार है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, इसे एक संतुलित आहार के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों अभी हमने सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन फूड, सोर्सेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। अब आगे हम चलते हैं थोड़ी सी ब्रेक टाइम क्वेश्चन से, ब्रेक टाइम और ब्रेक टाइम। एट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? आंसर, वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के भोजन से, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी। इट हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर बॉडी, इससे हमारा शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। इट हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर बॉडी, यह हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है। बी ग्रो टॉल, इससे हमारी लंबाई बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत होते हैं। स्वीट्स, राइस, पोटैटोज, सुगर, बटर, चीज, ईटीसी फूड आइटम गिव अस एनर्जी, जैसे मिठाई, चावल,
आलू, चीनी, मक्खन, पनीर, ये जो हमारे भोजन हैं, ये जो हमारे फूड आइटम्स हैं, इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ये सभी हमारे भोजन के जो स्रोत हैं, इनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इन सब चीजों को खाने से मानव शरीर में ऊर्जा एनर्जी आती है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। सब्जी और फल जो है हमें वह रोग से हमारी सुरक्षा करते हैं, वे हमारे एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। सो बी कॉल्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्जी और फल रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और यह हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद भी करते हैं। वाटर एंड सलाद हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग आवर फूड। पानी और सलाद हमारे भोजन को पचाने में हम सहायता करते हैं। सो वी मस्ट ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर डेली। इसलिए हमें कम से कम प्रतिदिन 8 glass पानी बच्चों नियमित रूप से पीना चाहिए। विद बेस्ट विशेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।